सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। राम राम तेरे खलनारा सत्य खबर। आज मैं थाने ले गया सिरसा लोकसभा का गांव ढुकड़ा में। भाजपा ही कांग्रेस को कह मैं यहाँ को मैं तो देख रहा हूँ मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए तुम्हारे तो बीजेपी चाहिए हमारे साहब तो कांग्रेस का बढ़िया है लोग ही लगे छोरा आगे तो देखो आगे ही बात है बाकी मौके इसलिए सावड़ लगे तो गड़बड़ होगी दो पार्टी होगी सिरसा लोकसभा से मैम हम चाहते हैं कि INLD के कैंडिडेट है जीते। राम राम थे देखन ला रहा सत्य खबर। आज मैं थाने ले गया सिरसा लोकसभा का गांव ढुकड़ा में और अटह में थाने इन्ने की जनता को मिलवावांगा कि इन्ने की जनता बोल सत्य बोल में के सत्य बतावे अपन है तो चलो लेके चला थाने गांव के बीच में और मिलवावा लोगों की वे आपको सांसद किने चुनेगी और जिको कांग्रेस और बीजेपी आपको मैनिफेस्टो रखे तो बाने किसो मैनिफेस्टो जिको बढ़िया लगा तो चलो लेके चला थाने गाँव ढुकड़ा के बीच में। तो के नाम क्या था रो बलवंत। अब जी यहाँ चुनाव है तो थाने किसी लगे पार्टी आनी चाहिए आगे पार्टी तो क्रम भाजपा ही आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए कारण क्या है भाजपा? कारण देखो मारे गांव में कदे छोरा कौन लग गया कदी अब 30 छोरा लग गया एन गरीब घर का 30 छोरा लग गया एन गरीब घर का जका मान लो टाइम पास मसाई होती है मजदूरी कर करके काम करिए बंगा 30 लड़का लग गया देखिए अभी हम गांव ढुकड़ा का सर्वे कर रहे हैं और यहां के लोगों से हम आपको निरंतर मिलवा रहे हैं कि लोगों की क्या है राय चुनाव में किसे अपना वो सांसद देख रहे हैं और देखते हैं चलिए लेके चलते हैं आपको आगे भी वो आगे अपना किसे सांसद बताते हैं आपको मिलवाते हैं अलग अलग लोगों से। मेरा नाम बलराम है जी। अब 5 साल मोदी सरकार रही है तो थे बिना काम संतुष्ट हो? बिल्कुल बढ़िया बहुत संतुष्ट हूं मैं। हाँ जी हाँ जी अच्छो काम करिए बड़ा बढ़िया बिना नहीं देखो मैं यहाँ को मैं तो देख रहा हूँ मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए दोबारा। मेरा नाम रतिराम है। अभी जी यहाँ सरकार है तो थे भी संतुष्ट हो गए बीजेपी सरकार? हाँ संतुष्ट है। संतुष्ट हो? हाँ। ये के काम हो संतुष्ट होते? ये माने फायदो है एक तो कम बेकार कोई बात कौन लाद है किंग कोई पीस हो कौन खास के ठीक। के नाम क्या था? भजन लाल। अब जी आगे चुनाव है तो थान के लगे भी किसी पार्टी आनी चाहिए? आन तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए कारण क्या है? कारण अब जिका टाबर पड़ा है लगन लाग रहा है। माता जी राम राम। राम राम बेटा। थान के लागे भी आगे चुनाव है के किसी सरकार आनी चाहिए? के मेरा बेटा कांग्रेस को कह लोग कांग्रेस को कह थाने कांग्रेस अच्छी लागे है? अच्छी को कौन मैं सुनू बेटा मैंने की बेरो नहीं थे कि ना आपको वोट गिरोगा बेटा ठेकोगा उठी गिर दिया मैं तो सुविधा के दे कोई सुविधा दिखेगी थे बताओगा नहीं गिर दिया मैं तो। अच्छा नहीं थारी आपकी कोई इच्छा होगी जी कांग्रेस और बीजेपी का काम थे देखे ही है तो थाने किंगा ज्यादा अच्छा लगे है बेटा? अच्छा तो की बेरा मन्ने की बेरो मैं तो बोली ढूंढ पड़ी हूँ कि अच्छा है कि माड़ा है। अच्छा जी बढ़िया काम करी है कि क्या नाम है? कोई अच्छा लगता है कोई चुनाव है तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? बता दे यार बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए कारण क्या? बीजेपी बीजेपी का कारण वो है कि नौकरी लगे छोरा और बिना पैसा बे पहली यहाँ का 5 लाख है गे का 5 लाख तो कर मना जी 3 में साथ ले बे लागे। अच्छा भी सरकार में? हाँ हाँ भी लागे। ठीक है जी। के नाम है बाऊजी थारो? नाम अर्जुन है जी। बाऊजी अब जी चुनाव है तो पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार के कामों थे संतुष्ट हो के? जी सावली लागे जाने के सावल लागे सावल लागे। अच्छा थे फिर आगे? आगे तो देखो आगे ही बात है बाकी मौके इसलिए सावड़ी लागे जी। आप कांग्रेस भी वादा करे है जी 72,000 वो सावड़ लागे मन करे कि नहीं कर बात आगे की बात है लागे सावड़ जन 72 बड़ा चोखा ही करे चोखा करे बेहतर सांसद खड़े होया अपने बीजेपी और कांग्रेस हूं पता था अब ताई तो कौन पता वो अखबार में पूछ दी तो कौन भी किशो किशो है कौन दी आगो देखो मेरा हाथ पुराना चुटा लगा अपना अब आगे किन्ने मन पूर जाबो के बेरो पड़ा है आगे के बेरो कि पहले इन्हें लोग आप बाद दूसरी बीजे बाजे जेपी और बनेगी पहले तो आंगे या सदा आंगे। अब जी कांग्रेस है कांग्रेस भी ठीक ही पहले कांग्रेस पहले ठीक ही आपनों ठीक ही बढ़िया में के घटिया में तो ऊपर ला जाने के मोटा मोटा व्यापारी है थोड़ा मरोड़ी करे आपनों तो टूटा फूटा है ही को आपनों तो क्यों वही को नहीं सही बात आवन एक एक करिए वोट दे दिया भेजो
अच्छी लागे बिना कर दें जीत हुई थी बिना दे दिया। नाम क्या है आपका? विनोद कुमार। अभी जैसे कुछ ही समय में चुनाव है तो क्या लग रहा है अभी कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए? पार्टी तो अजय तक तो बेरो को नहीं मिया तो गड़बड़ी है, इनो ला रहा तो गड़बड़ होगी, दो पार्टी होगी ऐठ तो बीजेपी आवेगी। सांसद पता है कि खड़े हुआ है, दो सांसद खड़े कर दिया, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, बाकी अभी प्रत्याशी घोषित। सांसद तो एक करावे वोट लेन मुड़ के तो सकली कौन दिखावे नहीं, अब किसे नहीं दिखा दियो चे अठ वोट देना है किसे नहीं दे दियो चे। बीजेपी ने क्या देगा? नहीं बीजेपी तो यहाँ देना है नहीं का मोदी की लहर है ऊपर है, मोदी आनो है, अगर मोदी ने बने को तो नीचे सरकार न होगी बीजेपी की तो काम को नहीं होगा। भाई बात का कांग्रेस आ रहा हूँ है तो कांग्रेस को है ऊपर सरकार तो बननी है निश्चित कौन बननी। अभी जैसे ये चुनाव है तो किसे देख रहे हो, कौन सी सरकार आनी चाहिए, स्टेट में कौन सी आनी चाहिए, अपनी सिरसा लोकसभा से किसे देख रहे? सिरसा लोकसभा से मैं हम चाहते हैं कि INLD के कैंडिडेट है जीते, और जो भी सरकार जैसे कांग्रेस में भी थी या जैसे BJP की थी तो किसी से भी संतुष्ट नहीं, हम चाहते भी हमारा खुद का INLD का लोकसभा में कैंडिडेट जीत के जाए, और वो एक किसान के लिए, गरीब के लिए, मेरे वर्ग के लिए जितना उसके अपना ही आवाज़ उठाए। जैसे पिछले 5 सालों से BJP सरकार है तो कहाँ देखते हो, कहाँ स्टैंड करती है BJP, क्या उसने कुछ किसानों के लिए किया है, जमींदारों के लिए कुछ किया है? किसान जमींदार के लिए BJP ने कुछ नहीं किया है, एक अब लास्ट में इलेक्शन जीतने के लिए 2,000 रुपये की एक ट्रॉफी दे दी जिससे इलेक्शन बन जाए, लोग 2,000 में ये अपने वोट दे दें, इससे ऊपर BJP ने शायद तो कुछ किसान के लिए नहीं किया, कुछ नहीं किया। ताऊ जी बैठे कई इन बात करा भी इना के कहना है चुनाव ने ले गए तो चलो ले गए चलना था ताऊ जी खाना राम कुमार नाम है। अभी जी चुनाव है तो थाने के लगे भी किसी पार्टी आनी? मैं तो मोदी इंतजाम भैया पार्टी को मन लेने लेने को। नाम क्या? मेरा नाम रतास बन्ना। अब आगे चुनाव है तो क्या लग रहा है? आगे चुनाव है जहाँ जहाँ BJP ने जहाँ वोट तो पर इन लोगों ने तो अब ऐसे ही टोटल में सांसद पूछो अब दो फाड़ हो गया दोनों बाजू BJP ने जहाँ वोट किया। सांसद के बारे में थाने के लगे दोबारा चरणजीत सिंह गोड़ी ने टिकट दे दिए इन लोगों ने लगे कांग्रेस कारण में ही है, अब कहीं बीमा कंपनी पीछा कराए हमारा 4-5 गाँव गाँव का 2-2 लाख रुपया हमारा ना अच्छा पीछा दे दिया खाता में हमारा बीमो काट लियो अभी बाद में वापस दे दिया महीने बाद मान दो कन्वे जमींदार ने हमारा 5-7 आदमी हमारे रुपया माना नहीं पीछा मिला। अब एक सस्यों दे फटद लियाओ कभी ऑनलाइन कराओ ये बहुत गलत है हैं। अब चीन ले रही पिछली बार हरियाणा में तो 3,300 रुपया चीन बिक गया, राजस्थान में 4,400 रुपया बिक गया, बड़ा फटदा ले लिया हमारा लिए ही कौन ये गलत है सरकार मैं तो मानते सरकार को एक लागू होनी चाहिए, राजस्थान में तो हरियाणा में लेना चीनों चीनों चाहिए ए चीना है ए बटे BJP सरकार है और अटे BJP सरकार है ये दो बांध नहीं करनी चाहिए सरकार, दो बांध करा के तो लोग तंग आए BJP सरकार दो बांध करे हाँ दो बांध करे तो अब कभी मांग हमने मारा मैं मर सके भर गया एक दिन मैं भर गया दसवा 7 किला तो 1,33,000 रुपया दे दिया हमारा 12 किला एकड़ मेरे को नहीं जमीन लोन में दे डिबी का पीछा काट लिया 12 किला इतना मिल रही भी काट लिया 12 किस किसी को मिल रहेगी मगर तीन हमारे भी तो तिरुपति फिर 17 पहुँच चुको नहीं। तो आई हमारे साथ ढुकड़ा गांव की जनता जिकी माने बताया भी आना चुनाव में आपको वोट की ना देवेगी, तो जुड़े रहो सत्य खबर का सागर, मैं हूँ नैन्सी, धन्यवाद। सत्य खबर सत्य सटीक बेबाक।